अब हाँ ऐसे कर रहा है, उसको शहीद करने मिलना है। हमें बोलते हैं ना कि आप लोग इसे कटिंग नहीं करवाते हैं, मतलब इतने सुकून से बैठा हुआ है। इसको देखो, कह रहा घर चलो, घर चलो। हूँ नताशा मकास और ये मैं जी। और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तस्वीर। और अमीशा आपका नाम? अमीशा। ना मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चावल है ना, मैंने हॉस्टल में बनाना सीखे थे। इतनी मेहनत से मैंने किचन धोया था, सारा बारिश का पानी अंदर की तरफ फ्लो आया सारा। ये देखें, ये देखो इतनी बारिश के अंदर पानी भर गया खिड़की में सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं नताशा वकास। तो आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है। अमीश पीटर पीलो। और आज के ब्लॉग में ना माशाल्लाह हमारे ऊपर वाले फ्लोर की स्कर्टिंग लग गई है, मैं वो सारी दिखाऊंगी आपको। हॉल वगैरह रेडी हो गया, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। मैंने ना आज टमाटर वाले चावल बनाए थे। और क्या चावल बनाए थे, वो टमाटर वाले ऐसे खाए ना बच्चों ने और बड़ों ने सब ने, कि वो चावल खत्म हो गए सारे के सारे। तो वो भी दिखाती हूँ कैसे बनाए थे। पिछड़ा कुरान पाक की तिलावत चल रही है, आगे से इतनी प्यारी ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्या सुकून आ रहा है माशाल्लाह। अभी मैंने बनाना है नाश्ता, आटा बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ है, मतलब डेढ़ रोटी बनेगी। चाय मैंने रख दी थी, बस दूध नहीं डाला था मैंने चाय में। तो साथ में जो है ना वो ब्रेड के साथ हाफ फ्राई बना दूंगी बच्चों के लिए और वकास के लिए। तो भाई दो ही रोटियों का आटा था, आपको पता है। तो ना रात का नान बचा हुआ था जो हलीम बनाई थी ना, उसके साथ चावल उबालूंगी मैं। तो आज टेंशन नहीं है खाना बनाने के ना, हम ना साधन दो दिन चला लेते हैं, क्योंकि सारे से पता है दो ही बंदे हम खाने वाले। और दो बंदों के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ कि रोज नया सालन बनाऊँ, तो फिर एक क्योंकि मेरा काम भी करना होता है ऑब्वियसली, इतने सारे काम होते हैं, अभी काम वाली भी नहीं है। तो नान फ्राई करूँगी, दो पराठे बनाऊँगी, ब्रेड भी है साथ में, अंडा भी है, और हलीम के साथ देखें हलीम के साथ चावल उबाल लूँगी, तो बस मेरा काम खत्म। एक पराठा बन गया है मेरा, दूसरा बस बनने वाला है, फिर बस नान फ्राई करते हैं हम। और देखूंगी किसी नान के साथ हलीम खाना हुआ तो हलीम गर्म कर दूंगी, अदरवाइज मैं तो कबाब के साथ खाना है पराठा भाई। बल्कि चाय के साथ भी डिप करके खाओ ना, क्रिस्पी पराठा होता है, बहुत मज़े का लगता है चाय के साथ डिप करके। चाय भी हमारी हो गई है। ओके तो भाई अंडे बना रही हूँ अम्मी बकास के अंडे, बकास के अंडे नहीं मुर्गी के अंडे। जी हमारा पराठा बन गया है, जाओ सबको बुला के लाओ बाहर। साइकिल चला ली, ब्रेड आधी खा के आधी यहाँ रख गए हो, पूरी क्यों नहीं खाते हो? हलीम ना सलाम भाई को बोलना खाना मेरे से ले लें हैं। मैं तो नाश्ता करने लगी, कोई आए ना आए, क्योंकि मैंने और भी बहुत काम करने हैं अभी। ध्यान से ये देख रहा ना, बारिश दरवाजे से अंदर आ रही है, खिड़की से अंदर आ रही है, रोशनदान से अंदर आ रही है। यार कील अब वही था जो मैंने आपको ढूंढ के दिया था, और कहाँ से ढूंढूं? अभी मैं ऊपर वाले रूम से बाहर कपड़ा लगा के उड़ गया हुआ सारा। ये वाला तो कील बहुत बड़ा है, तो छोटा वही वाला कहाँ, इस पर निकाल देते हैं। हाँ ओके, अब मैंने वकास को बुलाया, मैंने कहा मैं किचन में बर्तन धोने, मैंने खाना बनाया, इतनी ठंड है, ये देखें बारिश, इतनी ठंड है, इतनी तेज हवा है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। ये ले यार, दरवाजे के नीचे से हवा, ये कसम से मैं वो लेके आती हूँ दरवाजे के नीचे ही लगाते, क्योंकि बारिश अंदर आ रही है कीचड़ बन जाएगा सारे किचन में। हवा का रुख ही इस तरफ का है मेरे ख्याल से, नजारा हो जाएगा। अब वो भी ला के लगाते हैं इसके नीचे, हमारे पास थे ना वो, हाथ पकड़ लेगा तूने मेरा। यार वो जो नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है, वो जो इसके नीचे लगाते हैं दरवाजे के, बारिश का पानी अंदर आ रहा है, पूरा किचन में कीचड़ हो जाएगा। बेसमेंट में कितना सुकून है यार, आप बेसमेंट रेडी करवा लेते यार, बेसमेंट इतना तो गर्म है ना, इतना तो गर्म है, मुझे एक मिनट से पहले इधर से पैसे लगवा लें यार, उसका समझ सुकून। ये देखो इतनी बारिश के अंदर पानी भर गया खिड़की में सारा। हम ना बेसमेंट में ढूंढने आए थे दरवाजे के नीचे लगाने वाला, पता नहीं किधर है वो यार। बच्चे है ना, बच्चे शरारती बच्चे, कुछ नहीं छोड़, क्योंकि ना इतनी हवा आ रही है यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहाँ पे। तो कैसे काम करूँ मैं किचन में, चूल्हा भी खोला ही हूँ, चले जा रही हूँ ऊपर ही, स्कूटी भी नीचे फेंकी है गधों ने, फिर ऊपर ही होगा कहीं, अगर आप ऊपर ले गए थे तो हैं। बेसमेंट की भी सीढ़ियों को झाड़ू लगाऊंगी, छत की साफ होगी ना सीढ़ियाँ, बेसमेंट की भी झाड़ू लगाऊंगी। मैंने उबालने थे चावल, तो वो ना चूल्हा जल ही नहीं रहा था, इतनी हवा थी। प्याज चॉप की है, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की है, दो टमाटर, और इसके अंदर ना मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चावल है ना, मैंने हॉस्टल में बनाना सीखे थे। आज जो बना रही हूँ वो टमाटर वाले चावल हैं हलीम के साथ। इसके अलावा एक चावल बनते हैं शामी कबाब के साथ, वो हरे चावल बनते हैं, हरे धनिए वाले, क्या टेस्टी चावल बनते हैं, और मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगी। अब ये टमाटर गल जाए, क्योंकि टमाटर फ्रीज हुए हुए थे ना, तो गल जाएंगे, थोड़ा सा लाल लाल सा पेस्ट बनेगा, फिर हम इसके अंदर बनाएंगे चावल। इसमें जीरा ऐड है, और इसमें टमाटर ऐड है, प्याज और हरी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है।
मेरे चावल हो गए, आपको नजर आ रहा है कलर के साथ रेड रेड सा है, बस मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर। और अब ना क्योंकि ना चावल जो थे वो दो छोटे वाले कप थे, इतने बनाए कि बस आज ही खाए जाए और खत्म हो जाए। साथ हलीम गर्म करती हूँ, इतनी भूख लगी है ना, पता है मैं खाना कब बनाती हूँ, जब मैं वीडियोस बना के आती हूँ ना यूट्यूब की मेन चैनल की, उसके बाद आके मैं खाना बनाती हूँ। और ऑलमोस्ट 8 बज जाते हैं, मुझे इतनी शदीद भूख लगी है ना। बच्चे तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लाइक ब्रेड पर लगा के चॉकलेट खा ली, बटर खा ली, फ्रूट चाट पड़ी वो खा ली, तो मुझे काम के दौरान ना कुछ भी खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता और मेरी भूख बांगड़ी हुई है। अब जब चावल दम लगे तो मैं खाना खाऊँ। तो हलीम देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, वो सब गर्म करने के लिए रखी है मैंने, जल्दी गर्म हो जाए तब तक चावल भी आई विश के बन ही जाएंगे इंशाल्लाह, और लाइट ना जाए बस। लिप्स देख लें आप कितनी प्यारी है, पाइपिंग हुई हुई है, नेट वाली जो खूबसूरत सी लेस होती है वो लगी हुई है, यहाँ साइड पे भी लगी हुई है, यहाँ साइड पे भी पाइपिंग है, यहाँ पे भी, और साथ में खूबसूरत सी शॉल है बहुत ही प्यारी जो इस ड्रेस के साथ भेजी उन्होंने मुझे। खदर का ड्रेस है ये, सर्दियों के लिए परफेक्ट है। जैसे इसके स्लीव्स पे स्टाइल है सेम वैसा ही इसके दामन पे ये स्टाइल है, देखें प्लेट्स डली हैं और स्टाइल और नेट लगी है ये वाली, और इसकी शलवार का स्टाइल भी बहुत प्यारा, मैं सोफे पर चढ़ के दिखाती हूँ आपको ये देखें जी, इसकी शलवार का स्टाइल बहुत ही प्यारा सा। ओके भैया भाज बाजी भाई साहब का रोना शुरू हो गया, मेरे चावल देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम लग गए, अल्लाह करे आहा बेहतरीन खाते हैं। बस हलीम निकालती हूँ और खाते हैं खाने जी हमारे लजीज, पता है टमाटर वाले चावल बनाए मैंने, इतने मजे के लगेंगे ना हलीम के साथ, ये कलर देखें कितना प्यारा है, प्याज डालती ना और सब कुछ डाला हुआ है इसमें, प्याज श्याज सब डाला हुआ है जी। अब हलीम डालें, बकास चम्मच निकाल कर ढक्कन रखते हैं, छोड़ में। ओके भाई तो ये हमारे चावल, ये हमारा हलीम और हम खाने लगे हैं खाना। हम दुपट्टा लेके आई बस करूंगा किस चीज का करें, तुम्हारी पसंद की नहीं। चलो मैं आपको चक्के बताती हूँ कैसी बनी है। बना यार क्या है यार, और ठीक करवाने जाएंगे तस्वीर बलाज, ठीक करवाने ले जाएंगे अंकल के पास, अंकल के पास खा के देखो उंगलियां चाटू नाम बदल देना। हाँ प्लीज यार सबके साथ ट्राई करना हलीम, हलीम के साथ टमाटर वाले चावल। हाँ जी बता नहीं सकता, बताएं बताएं प्लीज बताना पड़ेगा, नहीं आ रहा इसलिए नहीं था नहीं मुझे के बने हुए, नहीं नहीं अभी टेस्ट आया नहीं ना मुझे, जल्दी खाए ना मैंने खाना, मुझे भूख लगी है। तुम खाओ ना यार, ऑडियंस रिव्यू लेती है ना आपका। अच्छा मेरा रिव्यू इतना काबिल हो गया? हाँ बहुत काबिल है, आप खाएं, मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, प्लीज खा लें यार मुझे भूख नहीं है। एक अदद प्याज, मेरा बच्चा रो रहा है अंदर, जल्दी करें उसको भी देखना है जाके, माशाल्लाह हमेशा ही खुश रहता है। आप पे चला गया है, क्या बने चावल, क्या बने चावल, इन्होंने खाए हैं नहीं, और नखरे देखो व्हाइट वाले चावल क्यों नहीं बनाए, ये हलीम के साथ बनते हैं स्पेशल टमाटर वाला चावल, में जाऊँ भाज का दुख सुन के आऊँ क्या मसला। भाई तो मैं अभी आपके साथ ना कुछ चीजें शेयर करने लगी हूँ, सेहत जो है ना अरमिश खा के गई है, ढक्कन मिल बन गया। खैर सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इनका ये सिदर बेरी शहद, जो मैंने बताया कि वकास लेते थे बच्चों को देते थे ये शहद, इससे ना सर्दियों में गले ख़राब नहीं होते, रेशा बलगम नहीं बनता। इनके पास शहद के बहुत सारे वेरिएंट है, इसमें इनका सेफ्रून वाला मुझे बहुत पसंद है, एक इनका अजवाइन वाला शहद है मुझे बहुत पसंद है, सिदर बेरी हनी ये बहुत पसंद है मुझे, और ये हमारी कोयडा दूध पत्ती, ये तो आपको पता है मैं चाय इसी की बनाती हूँ, ये भी मैं वकास खोल खोल के दिखाएंगे, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने। अच्छा ये चीज़ जो है ना ये इनकी न्यू आई है कोको चिकन पाउडर, इसको मैंने हलीम में भी डाला था, और जो मैंने राइस बनाए थे टमाटर वाले इसमें भी डाला था, बहुत ही मजे का टेस्ट बना था, इतने शौक से राइस खाएंगे ये बचे हैं सेफ राइस, तो बहुत ही मजे का इसका टेस्ट था। इसको खोलना है पास, एक हाथ से खोलें, ये देखें ये ना ऐसे पाउडर सा बिल्कुल थोड़ा सा ये यूज होता है, जैसे हम कनोर के चिकन क्यूब्स लेके नहीं डालते थे खानों में दालों में, ये सेम उस तरह का है, बिल्कुल इतना सा डलता है आधा सा चम्मच, और इतना मजे का खाने में टेस्ट और जायका आता है कि बंदा कहता है कि और बना बना के खाएं, तो बहुत मजे का है ये, तो इससे बड़े मजे का टेस्ट आता है, आप उसको ट्राई करो, आप लोग बोलोगे वाह। जो बच्चे दालें वगैरह शौक से नहीं खाते ना, तो इसको डालोगे शौक से खाएंगे। पहले तस्वीर परमिश नखरे कर दी जब चावल चखे उन्होंने, तो कहा मामा बहुत मजे के बने हैं। ये ऑलिव ऑयल है और ये स्पेशली सिर्फ वकास के लिए आता है, ये ऑयल वकास मंगवाते हैं ऑलिव ऑयल, हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं, आप इसको सैलड में खाने में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मजे का और बिल्कुल प्योर वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगर किसी को अच्छा ऑलिव ऑयल चाहिए तो वो ले सकता है। उसके अलावा देसी घी आपको बताया मैं इनका यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया ना मुझे मक्खन निकालना आता है, मुझे देसी घी निकालना नहीं आता, फिर देसी घी चिल्तन प्योर वालों का मंगवा लेती हूँ। इनका जो देसी घी है ना वो गाय का देसी घी होता है, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं पराठे, और इस तरीके से ना थोड़ी सी उनको न्यूट्रिशन मिल जाती है, वरना बच्चे इतने शरीफ का है रोटी भी नहीं खाते, आपको पता ही है, तो थोड़ा सा ही रह गया ये भी।
चाय की पत्ती भी दिखाती हूँ। चाय की पत्ती दिखाओगे? चाय की पत्ती तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये जी ना बगास चाय पी रही, मैं भी दिखाती हूँ आपको। खशखाश खशखाश जो भी है ये किस लिए यूज होती है? नींद नहीं आती रात को। हाँ, जिनको नींद वगैरह नहीं, रिलैक्सेशन के लिए, टेंशन फ्रीज करता है। इसके अलावा कब्ज भी होने नहीं देता ये, और भी बहुत सारे इसके फायदे। मुझे नहीं पता वकास इसको यूज करते हैं। खैर ये जी हमारी चाय की पत्ती, मैं आपको खोल के अंदर से दिखा देती हूँ कैसी हमने की चाय भी बनाई हुई है। अभी हम पीने लगे हैं चाय। मिस्त्रियों को भी चाय दी, उनको भी इतनी पसंद आती है चाय, वो बोलते हैं कि कौन सी पत्ती आप इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा हम कविता की पत्ती चाय इस्तेमाल करते हैं। अब शेयर खोल के दिखाती हूँ आपको। शेयर खोले ना वकास, शेयर दे देखें, इतना प्यारा शेयर है इनका। सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट बहुत अच्छा है यार। वो जितने भी लाए ना हाथ भी नहीं लगाते। ये वाला जो शेयर था ना, ये लेट हो गई थी डिलीवरी ना, मैंने ऑर्डर नहीं किया था। मैंने कहा मैं इकट्ठा करूंगी, मुझे पत्ती भी चाहिए थी, घी भी चाहिए था। ये लेट हो गया शेयर, तो फिर वकास ने बाहर से खरीदा, वो फ्रिज में पड़ा हुआ। कोई बंदा आएगा रिश्तेदार तो उसको दे दूंगी। तो ये बहुत ही मजे का शेयर था, चीनी नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज है, ये आपको बताया था हमने दलिया यूज किया था जब हम लोग बीमार थे। दलिया बना के भी दिखाया था, तस्वीर को जब बना के दिया था, मूसली भी खा के दिखाई थी मैंने। बहुत टेस्टी इनकी चीजें होती है। मेरा कोड भी है इनके ऊपर, अभी ना इन लोगों की लगी हुई है सेल। अगर जाओगे चीजें खरीदोगे तो जो जो चीजें यूज करती हूँ मैंने आपको दिखा दी। इनका स्पाइस रेक मैंने लगाया हुआ अपने किचन के अंदर, स्पेशल बनवाया उसके लिए जगह, क्योंकि इनके स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। सारे पाउडर, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, जितने टेस्टी होते हैं ना। और ये अदरक और लहसुन जो है ना, वो इम्पोर्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पाउडर होता है इनका। मेरे इतना टाइम हो गया उनको, मेरे खराब भी नहीं हुए, कोई कीड़ा भी नहीं लगा। और कभी कोई कंप्लेन होती है तो माशाल्लाह इतना अच्छा ब्रांड है कि फौरन से कंप्लेन को हल करता है, सुनता है। मुझे कोई मेरी सब्सक्राइबर बोल देती है ना कि आप मेरी ये चीज जो है सही नहीं आई, मैं इनको मैसेज करती हूँ, उसी टाइम बोलते हैं जी आप अभी हम चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ब्रांड है ये, और माशाल्लाह अवार्ड भी मिल चुका है हम जो सर हैं इनके ऑनर। तो मैं ना चिल्टन प्योर का लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों ने जानना है। और जो जो चीजें आपको चाहिए आप लोगों ने जरूर बाय करनी है। स्किन केयर भी ढेर सारी है इनके पास, आप लोग वो भी चेक कर लेना, सीरम्स वगैरह। तो ये देखिए ये हमारा स्पाइस रेक है, आपको नजर आ रहा होगा सारी चीजें इसमें लगी हुई है। चले खैर, ये देखें जी हमारे ऊपर वाले पोर्शन की स्कर्टिंग लग गई है सारी की सारी। मैं आपको सारी दिखाती हूँ बाहर, हॉल की भी दिखाती हूँ। ये मैंने बेड के लिए तैयार करवाया है, यहाँ बेड का बनना है ताज जैसा जो बोलते हैं ना, फुल ऊपर तक बनेगा इसका। और ये मेरी चाय हाथ में उठा लाई थी मैं, ये साथ साथ चाय पीऊँगी। बिकॉज लाइट उठा कर आएंगे मेरे लिए, मैंने ना हॉल की दिखानी है स्कर्टिंग। ये वाले कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, है ना। और सब इतनी तारीफ करते हैं ना वीडियो में, काफ़ी आपने जो ऊपर वाले फ्लोर की टाइल लगवाई है वो बहुत प्यारी लगवाई है माशाल्लाह, पूरे हॉल की लग गई है देखें माशाल्लाह 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 से। जल्दी से रेडी हो तो मैंने अपनी पार्टी करनी है यहाँ पे, सबको बुलाना है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी चाची नसीम को बुलाऊंगी, सवेरा लोगों को, अम्मी लोगों को। इस कमरे की भी लग गई है माशाल्लाह, इस कमरे की भी लग गई है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। स्कर्टिंग का काम ख़त्म हो गया सारा, चले जी गुड हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना प्यारा लगता है यार ये कलर, बारिश पे आती है ना ऊपर से वकास। इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ऐसी सेम स्काईलाइट बनवाई हुई थी पर नीचे जंगला था और उसके ऊपर शीशा था। यहाँ से देखें आसमान नजर आता है, इसलिए इसको स्काईलाइट बोलते हैं। है जंगला लगवा के ना उसके ऊपर शीशा लगवा लें, सेफ्टी की सेफ्टी, खूबसूरती की खूबसूरती। जैक जैक अच्छा, हाँ मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने आपको सेंड की है, आप चेक कर लेना अपने पेज के ऊपर, वहाँ पे भेज दी थी मैंने आपको। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मैंने खाली ये दो चेयर ला के ऊपर रखी हैं, और ये इतनी कोई प्यारी लगती है मुझे, यहाँ पे मैं आते जाते माशाल्लाह बोलती हूँ माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, है ना। और कल मैंने इसी चेयर पे बैठ के पता एडिटिंग की थी सारी, क्योंकि नीचे वो आए हुए थे बंदे खिड़की वाले, तो मैं यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रही थी। ऊँची नीचे होगी थोड़ी सी फिलिंग में हो जाएगी। सलाम भाई, ऊपर वाले वॉशरूम के लिए टाइल्स बच जाएंगी? सर मुश्किल नजर आ रही है, दो बाथरूम रहते हैं। आप लोग इसे कटिंग नहीं करवाते हैं, मतलब इतने सुकून से बैठा हुआ है, इसको देखो कह रहा घर चलो घर चलो, रुको मैं ना इसे चॉकलेट दे सारी बलाज को दूं। कुछ भी नहीं, दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हो गया अच्छा ये फिर कभी भी नहीं कटिंग करवाएगा, तुम्हें पता नहीं है इसका। अब तो बड़ा हो जाए करवाएंगे, बड़ा होगा फिर कटवाएगा ना, वो सही हो जाते हैं। या फिर मुंह में जा रहा है, देखा बाल गंदे, चुप करो सारे बाल मुंह में जा रहे हैं।
माशाल्लाह सुन रही है देखो कितना प्यारा लग रहा है शीशे में देखो कितना अच्छा लग रहे हो है ना बलाज कितना अच्छा लग रहा है हो गया बस हो गया भाई माफ की देखो कैसे बाज बगैर रो रहे रोना नहीं मुंह में बाज आ रहे हैं सारे चॉकलेट में बाल लग गए होंगे देखा है इतने प्यारे बाल थे आज के लंबे लंबे माशाल्लाह है ना चॉकलेट के बाल बाल छुपा लो तो बाल लग रहे हैं अंदर करो चॉकलेट अरे देखो हो भी गया झाड़ेंगे अंदर बाल हो गया थोड़े थोड़े झाल लग रहे नहीं नहीं लग रहे मुंह में बेटा चुप करो बस मुंह से बाल लगाओ मुंह में बाज बग गए मुंह बंद कर लो बाज बग गए सारे बलाश तुम रो रहा हो तो खुश खुश बैठा वीडियो बना रहे हैं देखो आपकी वीडियो बन रही है सबको दिखाएंगे कितना तंग कर पाए बेटा कुछ भी नहीं है चॉकलेट दो वापस मुझे चॉकलेट दे दो चॉकलेट ना बलाश को दे दो फिर चुप करके बैठा हूँ सारी चॉकलेट बलाश को दे दूंगी अगर रोए तो डब्बा रखा है मैंने गाड़ी में पूरा डब्बा आपके लिए और चार चॉकलेट है उसके अंदर चार नहीं दस है ना सारी आपने सारी बलाज को दूंगी बलाज को एक भी चॉकलेट नहीं देंगे ठीक है बलाज बलाज तो नहीं नाराज होता बलाज तो अच्छा बच्चा है स्कूल से बैठा हुआ है और भी गए बाल सही देखो अब शक्ल देखो आप कितनी अच्छी लग रही है अब खारिश भी नहीं होगी आपको और गाड़ी भी लेकर आएंगे आज हम आज की अंकल आप उसे कान काट रहे हैं दिखाओ कैसे लग रहे हो आप दिखाओ मैं झुक रही जाऊँ इतने प्यारे लग रहे हो आप तो आपने सुकून से बाल कटवा लिए है ना ना तो बलाद अभार ने तो रो रो के कटवाए बाल आ जाओ ऊपर आ जाओ अच्छा बिस्मिल्लाह बताओ कैसे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो ना अच्छा अच्छा लग रहा है मेरा बेटा या नाई की दुकान पे खुद आई है साथ बाल कटवाने के लिए वो कहा सकता मैंने नहीं लेके जाना नाई गुस्सा करता है वो कैची फेंक के मारता है मैंने कहा मैं आपको साथ चलती हूँ शुक्र है कोई था भी नहीं शॉप पे ना तो हम ही थे सिर्फ तो सुकून से बाल कट गए सुकून से तो नहीं कटे आप लोगों ने क्लिप देखा ही कैसे कटे तो बस खैर ये मेरा आज का व्लॉग था आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा है ना अच्छा लगा है व्लॉग बोलो लाइक कर दो शेयर सब्सक्राइब सीरियसली यहाँ बच्चों कितने काम होते हैं कि मैं एक एक महीने ना अपनी अम्मी को कॉल नहीं कर पाती अभी मैंने रात को उनको कॉल की मैं रात को 12 बजे फ्री होती हूँ कामों से फिर मैंने उनको कॉल किए तो वो सोई हुई थी उस टाइम फिर अब उनकी मुझे अभी कॉल आई थी रस्ते में मैंने कहा अभी तो मैं बाल कटवाने जा रही हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है बैठ के बात कर सकूँ क्योंकि ना 2-3 मिनट का डिस्टेंस पे घर से शॉप है तो बाल कटवाएं बस मैंने उनसे पूछा था मैंने कहा घी वगैरह कैसे बनाते हैं मक्खन से ना क्योंकि मक्खन खाया नहीं जाता मलाई बहुत सारी खट्टी हुई है तो ऐसा ना खराब हो जाए मक्खन खराब हो जाता है ना देसी घी खराब नहीं होता सालों में पड़ा रहे तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मैसेज कर मैंने कहा मुझे ना वॉइस मैसेज सेंड कर दे मैं सुन लूँगी फ्री होके तो बस अब यहाँ आके बाल कटवाएं अभी बच्चियों को ट्यूशन छोड़ा है पहले उनको स्कूल से लिया था फिर उनको खाना बना के दिया है खाना खाया उन्होंने फिर ट्यूशन गई है अब इलाज के बाल कटने मैंने कहा इसके बाल छोटे करवा दें इनके बाल ना बहुत जल्दी बढ़ते हैं माशाल्लाह लड़कियों की ग्रोथ नहीं है लड़कों की इतनी ग्रोथ है माशाल्लाह से तो बस यार और दूसरी चीज़ ये है कि यार मेरा नाम किसी भी यूट्यूबर के साथ मत जोड़ा करें प्लीज़ हमें किसी का नाम नहीं लेती किसी के बारे में कोई बात नहीं करती तो प्लीज़ मत किया करें ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा जाए क्योंकि ना मैं सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की इज्जत करती हूँ रिस्पेक्ट करती हूँ मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च करता है मैं सबसे पहले होती हूँ जो उनको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स आगे बढ़ रहे हैं ठीक है अगर मैं मुझे बात करनी होगी ना किसी के भी बारे में मैं क्लियरली खुल के बात करूँगी आपको पता है मुझ में इतना दम है कि मैं नाम लेके बात कर सकती हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी ना बात लोग सुनते भी हैं अगर मैं कोई बात करूँगी ना लोग सुनेंगे पहले ही मैंने बात की है लोगों ने सुनी है उसको अप्रिशिएट भी किया है तो जब मुझे कोई बात करनी होगी ना मैं डायरेक्ट नाम लेके भी कर सकती हूँ इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहती क्योंकि मैंने शुरू से अपने कॉन्टेंट पर मेहनत की है अपने कॉन्टेंट पर ध्यान देती हूँ मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है क्रिएटिव व्लॉग हों प्रोडक्टिव हों लोग उसे देखे कुछ सीखें कि देखो ये बंदी है सारे काम खुद करती है पूरा घर मैनेज करती है अनकंस्ट्रक्टिव घर उसमें रह रही है बच्चों को देख रही है बच्चों की एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और खाना वगैरह हर चीज़ घर पे खुद करती है सफाई वाली नहीं रखी हुई इसने कपड़े खुद धो रही है तो ये चीज़ें देख के लोग मोटिवेट हों कि हाँ औरत ये सब चीज़ें लेके भी मतलब बाज लोग ऐसे होते हैं जब औरत कमाने लग जाती है तो वो घर के काम छोड़ देती है लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू यही पैगाम देना चाहती हूँ कि भाई औरत सब कुछ कर सकती है कि वो घर के काम भी कर सकती है वो अर्न भी कर सकती है अपने घर को लेकर चल सकती है ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको वल्गर होना पड़े वल्गर ड्रेसिंग करनी पड़े आप सब कुछ कर सकते हो घर पे बैठ के और आपको माशाल्लाह लोग इज्जत भी देते हैं प्यार भी करते हैं जहां मिलते हैं झुक के मिलते हैं तस्वीरें खिंचाते हैं साथ सलाम करते हैं प्यार मोहब्बत से
मैं उम्रे पे गई थी, मैं जब खाना काबा का तवाफ करी थी पहली सफर, तो वहां पे मुझे एक लड़की मिली थी, लड़की नहीं थी मेरे जितनी होंगी वो भी, तो वो शादीशुदा थी वो भी, और उन्होंने मुझे बोला नताशा वगैरह, वो मेरी खाने काबा की पहली सफ में, और अल्लाह जानता है कि बिल्कुल सच बात आपको बता रही हूँ, कि वो मेरी थोड़ी को हाँ लगा लगा के चूम रही थी कि हम आप पे इतना प्राउड करते हैं, और वो ओमान से आई थी उमरा करने के लिए, वो कहती है मैं आपको ढूंढ रही थी, मुझे आप मिल ही नहीं है, और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, खाना काबा की पहली सफ पे खड़ी होकर मुझे ये बात करी थी, मेरी थोड़ी को से चूम रही थी वो बार बार हाथ लगा के, मतलब लोग इतनी इज्जत और इतना प्यार करते हैं, तो प्लीज मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ा करें, जब मुझे बात करनी होगी मैं खुद बात कर लूंगी, मेरे मुंह में जबान है, मुझ में इतने गर्ट्स है, मैं जब पहले मैंने मुझे कोई चीज उनकी बुरी लगी थी मैंने नाम लेके बात की थी, मुझे दोबारा कोई मसला हो मैंने देखा अपनी उसमें बात की, और मैंने व्लॉगर्स बोला है, व्लॉगर्स यूट्यूबर तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी, सबसे जो बड़ी चीज थी मैंने देखी थी उसका नाम था टेस्टेड बाय फायर या इस तरह से कुछ नाम था, किरण नाम है लड़की का, तो उसने अपने सारे बाल रेजर से काटे थे, ठीक है, इस तरह की चीजें ना बहुत ही बुरा इंपैक्ट करती है, और मुझे ना इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डीएम्स आ रहे थे कि भाई आप ही मैंने डिप्रेशन में बाल काट लिए, मैंने डिप्रेशन में नस काट ली, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये किया वो किया, तो मैं उस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहती थी कि भाई आप इतना कमजोर क्यों जाते हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, कि देखें मैं भी इस चीज से सफर करती हूं, मैंने अपने बालों की लेंथ काटी पकड़ के आगे से फ्लिक काटा, लेकिन उस टाइम मुझे होश आ गया कि मैं करके आ रही हूँ खुद के साथ, तो थैंक गॉड कि मैं वॉशरूम में थी, मतलब मेरी बेटी वो चीज देखेगी और वो भी ये चीज सीखेगी कि यार पागल बन के दौरे पड़ते हैं मेरी माँ को, और वो उसमें बैठ के अपने साथ ये हरकतें करती है, और मैंने ये चीज आपके सामने क्लियर लिया कि कन्फेस की, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत मजबूत बनाया, बहुत मजबूत, और हमारे जिस्म का कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज वो हमारी है ही नहीं, वो अल्लाह की अमानत है, जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर सर्जरीज नहीं करवा सकते, जैसे अल्लाह ने बगैर किसी मेडिकल इशू के जैसे अल्लाह ने बनाया वैसा ही रखना, जैसे लोग करवाते हैं ना खूबसूरत बनने के लिए फेस की सर्जरीज करवाते हैं, लिप्स की करवाते हैं, इस तरह कोई भी चीज, तो ऐसा ही हम खुद को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, कि मुझे नैना की कॉल आई थी तो उसने मुझे बताया था कैसा ऐसा हो रहा है और ऐसे ऐसे वीडियोस बन रही है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता मैं किसी की वीडियोस देखूं, आपके सामने मेरी रूटीन कितनी टफ है, किसी के लिए भी किसी का मैंने कोई नाम ही नहीं लिया, आप यूट्यूब पर सर्च करो ना कि कट हेयर ड्यू टू डिप्रेशन, इतनी वीडियोज आएंगी, इतनी वीडियोज आएंगी, मैंने एक टिकटॉकर थी उसने इतने लंबे उसके बाल उसने पकड़ के दोनों बाल अपने काट लिए थे, मैंने ढेर सारे लोगों का बोला था, तो प्लीज ऐसा नहीं किया करें, अच्छा मेरा नाम मत जुड़ा करें किसी के भी साथ, जब मुझे बात करनी होगी मेरे पास अपना चैनल है, मेरे पास बहुत अच्छी ऑडियंस है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी बात कर सकती हूँ, इस तरीके से ना आप मेरा इमेज खराब करते हो कि नताशा वगैरह ने टॉन्ट कर दिया, नताशा वगैरह ने ये कर दिया, मैं मुझे ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक रेपुटेशन दी है, इज्जत है, लोग बात सुनते हैं, समझते हैं, एग्री करते हैं मेरी बात से, मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कोई मेरे लिए बात करता है, तो मुझे जरूरत ही नहीं फजूल के पंगों में पड़ने की, अपना घर बनाना है जो मेरा एक मोटिव है और बस, और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, अच्छी तालीम देनी है, बस इंटरेस्ट ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इतना, कहते ना कुत्ते भौंक रहे हैं भौंकना दो, अब कुत्ते भौंक रहे हैं कि हम भी भौंकना शुरू कर देंगे यार, जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है ना वो यही काम करते हैं कि आज इसके ऊपर पकड़ के वीडियो बना दो, कल उसके ऊपर पकड़ के वीडियो बना दो, आज इसको जलील कर दो, इसका करेक्टर असैसिनेशन कर दो, तो उन्होंने यही करना है, गंदी करना है, तो बस ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की वीडियोस ही मत देखें, अवॉइड करें ऐसे लोगों को जिनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है वीडियोस देखनी है, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, नोश व्लॉग है, अरूज हैदर है, किचन विद आमना है, इसके अलावा इतने पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, मैं खुद उनकी वीडियोस देखती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं उनकी वीडियोस देख के कुकिंग सीखती हूँ, या किसी की वीडियोस देख के सीखती हूँ घर की डेकोरेशन कैसे करनी है, बेड कैसे बनवाऊँ, घर की फलानी चीज कैसे करूँ, मैंने अपने घर का नक्शा खुद बनवाया है क्योंकि हमने सोसाइटी में घर लिया था, तो आर्किटेक्चर के बगैर नक्शा नहीं बनता, लेकिन आर्किटेक्चर को सबके हमारे घर में हमारे पूरे एरिया में ना सबके घर सेम डिजाइन के, आप देखना मेरा घर सबसे डिफरेंट है, मेरा टेरेस का स्टाइल भी सबसे डिफरेंट है, मैंने खुद डिजाइन किया है क्योंकि मैं फजूल चक्करों में नहीं पड़ती मैं, और लोग बोलते थे बेसमेंट में पूल बनवाया स्मेल नहीं खत्म होगी ये वो, तो एक तो हमारा आर्किटेक्चर था सोसाइटी की तरफ से, दूसरा हमने पूल के लिए अलहदा पूरी टीम हायर की थी, इस्लामाबाद की सबसे बेस्ट टीम है, पूल की पूरी वाटर प्रूफिंग हुई है, पूल का जो प्रॉपर जो है वो पूरी मशीनरी वगैरह लगी है उससे, जिससे उसकी हर वक्त क्लीनिंग होती है, उसमें स्मेल नहीं आती, और आप बेफिक्र रहे हैं ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होगा, हम अगर हमारे बेसमेंट में सिपा जाएंगे जो मेरे राइट पे घर है और मेरे लेफ्ट पे घर है उन पे भी सिपा जाएगी, तो पूरा टेस्ट वगैरह होता है उसका, और जब वो सोसाइटी अप्रूव करती है हर एक मिनट मिनट में आके बिल्डिंग इंस्पेक्टर चेक करता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर वो आकर चेक करता है, सिग्नेचर्स होते हैं प्रॉपर, तब जाके तरीके से घर बनता है, ऐसे घर नहीं बनते, तो आप इस चीज की टेंशन नहीं लेके पूल से स्मेल आएगी, आज भी माशाल्लाह अपने शेव करवाए, चांद नजर आ गया माशाल्लाह जी, तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरा मैसेज भी समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप लोग आइंदा जो है मुझे डिसाइड नहीं करेंगे, सेकंड चीज ये कि मैं जल्दन प्योर की जो वेबसाइट है उसका लिंक व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, उनका सोमेटो पाउडर है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वो मुझे दिखाना याद है तो वो भी बच्चों को दिया गया है, दूध में डाल के उससे बच्चों की ना हाइट अच्छी निकलती है, क्योंकि बच्चों की यही एज होती है बढ़ने वाली, इसी एज में उनको दूध और फ्रूट और डाइट और कोश की जरूरत होती है, हाँ जी अब हाज और बलाची गाड़ी और तस्वीर मिशी गाड़ी है, ठीक है, तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स लाकर चीजें बाय कर लेना, कोड भी लगा लेना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।